आज का हमारा टॉपिक है लिंटल डिज़ाइन। लिंटल क्या होता है? डोर या विंडो ओपनिंग्स के ऊपर मेसनरी को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जनरली बीम की शेप में ही होता है, और इसका मैक्सिमम जो डिज़ाइन होता है वो भी बीम के अकॉर्डिंग ही होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम मानकर। लिंटल का जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से होता है, डिज़ाइन अ लिंटल फॉर अ डोर ओपनिंग 2 मीटर विड्थ इन अ वॉल ऑफ 230 mm थिकनेस, द हाइट ऑफ डोर इज 2.5 मीटर एंड दैट ऑफ रूफ इज 4.5 मीटर, कॉन्क्रीट ग्रिड M20 एंड Fe415, डेंसिटी ऑफ मेसनरी इज 20 kN पर क्यूबिक मीटर। मतलब कि इसमें हमको डोर की ओपनिंग दी हुई है 2 मीटर विड्थ की, ये हमने यहाँ पर 2 मीटर विड्थ की डोर ओपनिंग बना दी, वॉल थिकनेस दे रखी 230 mm, ठीक है, तो वॉल की जो थिकनेस हो जाएगी वो अपनी 230 mm हो जाएगी, एंड द हाइट ऑफ डोर इज 2.5 मीटर, डोर की हाइट 2.5 मीटर है, दैट ऑफ द रूफ इज 4.5 मीटर, जो रूफ की हाइट है बेस से लेकर टॉप तक 4.5 मीटर की रूफ की हाइट है, एंड कॉन्क्रीट ग्रेड M20 एंड Fe415, ठीक है, इस के लिए हमको लिंटल को डिज़ाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि जो लिंटल के ऊपर जो लोड आने वाला है, लिंटल के ऊपर कौन सा लोड आएगा, जो उसके ऊपर मेसनरी टिकी हुई है उसका। अब कितनी मेसनरी का लोड इस लिंटल के ऊपर आएगा उसको देखने के लिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर क्लियर स्पान ऑफ रूफ अबव द टॉप ऑफ द लिंटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगुलर मेसनरी लोड, देन जो लोड आएगा वो ट्राइंगुलर पोर्शन का आएगा, अदरवाइज रेक्टेंगुलर पोर्शन का आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लिंटल है उसके ऊपर 2 टाइप से लोड आ सकता है। एक तो इसके ऊपर ट्राइंगुलर पोर्शन जो मेसनरी का है उसका लोड इस लिंटल पे आ सकता है, या फिर इसके ऊपर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा उसका लोड लिंटल के ऊपर आ सकता है। उसके लिए जो कंडीशन होती है वो हमारी कंडीशन ये वाली होती है, ठीक है, क्लियर स्पान ऑफ रूफ अबव द टॉप ऑफ लिंटल, मतलब कि लिंटल के ऊपर का क्लियर स्पान, जिसको कि अपन यहां पर ये वाली हाइट जो होगी उसको हम कैपिटल एच नाम दे देते हैं, ठीक है, क्लियर स्पान ऑफ रूफ अबव द टॉप ऑफ द लिंटल ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगुलर मेसोनरी लोड पोर्शन, कि अगर अपन यहाँ पर इसमें ट्राइंगुलर पोर्शन इसका माने तो वो कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप का जो मेसोनरी का पोर्शन है इतना इतना लोड जो है वो इस लिंटल के ऊपर आने वाला है। तो सबसे पहले अपन इसकी क्लियर स्पान को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक जो बियरिंग होती है लिंटल की वो 150 mm अगर अज्यूम करें तो 2 मीटर तो है ही, उसमें 150 का हाफ इधर ऐड करेंगे तो टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी 2.15 मीटर, ठीक है, इफेक्टिव स्पान। अब अपन ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है उसका ये जो थीटा होता है इंक्लिनेशन, ये थीटा भी 2 टाइप से अज्यूम किया जा सकता है, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो 45 डिग्री जो अज्यूम करते हैं वो गुड मेसनरी के लिए अज्यूम करेंगे, और 60 डिग्री जो अज्यूम करेंगे वो पुअर मेसनरी के लिए। तो फिलहाल अपन इसको गुड मेसनरी मानते हुए 45 डिग्री का इंक्लिनेशन यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल का, ठीक है। अब हमको ये वाला चेक लगाना है, और ये चेक अगर पास हो गया मतलब कि जो लोड आएगा वो इस ट्राइंगुलर पोर्शन का लोड जो है वो इस लिंटल के ऊपर आएगा, अदरवाइज रेक्टेंगुलर पोर्शन हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले हमको एक क्लियर हाइट पता करनी पड़ेगी। तो क्लियर हाइट पता करने के लिए टोटल हाइट है 4.5 मीटर, उसमें से हमको ये वाली हाइट माइनस करनी पड़ेगी 2.5 मीटर, और प्लस ये वाली जो लिंटल की थिकनेस है वो भी हमको उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल 4.5 मीटर से एक तो 2.5 मीटर को और एक इस हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल एच आ जाएगा। तो 4500 माइनस किया उसमें से
डोर की हाइट 2.5 मीटर वाली ये, और माइनस डी, डी जो है वो हमारे यहाँ पे लिंटल की डेप्थ है, कैपिटल डी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.25 एच। एच क्या है यहाँ पर? हमारा हाइट ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन। ट्राइंगुलर पोर्शन की हाइट कौन सी होगी? ये वाली, इसको हमने यहाँ पर स्मॉल एच नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमें स्मॉल एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्मॉल एच कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बेस है इसका 2.15, ठीक है, तो 2.15 का हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास 1.075। और क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री वाले ट्राइंगल के अंदर जो बेस होता है वही उसका परपेंडिकुलर हो जाता है। तो सिंपल हमको क्या करना है, 2.15 मीटर का हाफ करना है, जो कि हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और उसी को हम इसकी एच भी मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्मॉल एच निकाला हुआ है 2150 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1075 mm, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कैपिटल डी नहीं है। कैपिटल डी क्या होता है? लिंटल की डेप्थ। तो लिंटल की डेप्थ हमने सबसे पहले इनिशियली अज्यूम करेंगे 150 mm, ताकि क्या होगा कि दो ब्रिक की लेयर उसके अकॉर्डिंग आ जाए, इसीलिए हमने 150 mm का कैपिटल डी अज्यूम किया है। तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने पर इधर हमारे पास आ रहा है 1850 ग्रेटर देन इक्वल टू 1343.75, मतलब कि ये हमारी कंडीशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि हैंस लोडिंग विल बी ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन, मतलब कि हमारे लिंटल के ऊपर जो लोड आएगा वो ट्राइंगुलर पोर्शन का आएगा, ना कि रेक्टेंगुलर पोर्शन का, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी जिसमें हमने खाली ये पता किया है कि लिंटल के ऊपर जो लोड आएगा वो किस शेप का आएगा, मेसोनरी के किस शेप का आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो हमारी होगी लोड कैलकुलेशन। स्टेप टू, लोड कैलकुलेशन। सबसे पहला जो लोड मानेंगे अपन, मैसोनरी का लोड मान लेते हैं। मैसोनरी का लोड, इसको अपन डिनोट कर देते हैं WM, ठीक है, वेट ऑफ मैसोनरी। अब वेट ऑफ मैसोनरी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन, क्योंकि ट्राइंगल का ही लोड आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन इनटू डेंसिटी ऑफ मैसोनरी, ठीक है। अब वेट ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन? वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया इनटू थिकनेस कर सकते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस। इस ट्राइंगल का हमारा बेस कितने का है? पूरा 2.15 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.15 बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है हमारी ट्राइंगल की? स्मॉल एच। स्मॉल एच को हमने यहाँ पर निकाला था 1075, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1.075। ये हो गया हमारा एरिया इनटू करेंगे थिकनेस से। थिकनेस जो हो जाएगी वॉल की थिकनेस आएगी, तो वॉल की थिकनेस अपन को दी हुई है 230 mm, 0.23, और डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दी हुई थी मैसोनरी की 20, ठीक है। तो इससे हमारे पास मैसोनरी का टोटल लोड आ जाएगा 5.315 kN, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लोड होगा वो होगा लिंटल का सेल्फ वेट। लिंटल के सेल्फ वेट के लिए सेल्फ वेट ऑफ लिंटल, इसको हम डिनोट कर देते हैं WL से, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ लिंटल के लिए भी वही, वॉल्यूम ऑफ लिंटल इनटू डेंसिटी ऑफ RCC, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिंटल, वॉल्यूम ऑफ लिंटल हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लिंटल की जो इफेक्टिव लेंथ है, अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो टोटल यहाँ से लेके हमको यहाँ तक अज्यूम करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर अंदर है, इधर 150 mm जाएगा और इधर 150 mm जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 2.3 मीटर। तो लेंथ हो जाएगी 2.3 मीटर, विड्थ है, विड्थ जो आएगी वो दीवार के थिकनेस के बराबर आएगी, दीवार की थिकनेस है 0.23 मीटर, एंड हाइट जो टोटल डेप्थ हमने मानी है लिंटल की वो मानी है कैपिटल डी 150 mm।
ये हो गया हमारे लिंटल का वॉल्यूम, और इनटू डेंसिटी अपन कर देंगे आरसीसी की 25, ये आ जाएगा हमारे पास 1.983 किलो न्यूटन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो लिंटल का जो वेट लेना होगा वो यूडीएल की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो 1.983 में अगर टोटल स्पान का डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.862 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आ गया लिंटल का वेट यूडीएल की फॉर्म में। अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो दो अलग अलग करेंगे, मेसोनरी का बेंडिंग मोमेंट अलग लेंगे और जो सल्फेट है लिंटल का उसका अलग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिख देते हैं फॉर मेसोनरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर एक रफ स्केच बना देता हूँ। ये हमारा लिंटल है, ये हमारी सपोर्ट है, ये 2 मीटर का स्पान है और इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो ट्रायंगुलर पोर्शन का वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा वो बीच में निकालना होगा सेंटर पर। तो सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अभी हम सिर्फ मेसोनरी की बात करेंगे, लिंटल की वेट की बात नहीं करेंगे। तो मेसोनरी के वेट के लिए हमें यहाँ पर बीच में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो क्या होगा कि सबसे पहले हमको सपोर्ट की दो रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी उसको इनटू डिस्टेंस करेंगे इतना। ठीक है, तो मेसोनरी का टोटल लोड कितना था, 5.316 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि टोटल लोड का हाफ रिएक्शन इधर आ जाएगी, हाफ रिएक्शन इधर आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से। तो ये जो हमारी टोटल डिस्टेंस है वो है 2.15 मीटर। ठीक है, तो 2.15 का भी हाफ हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन का इस पॉइंट से बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब माइनस, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन है, तो इसके इधर का जो मेसोनरी वाला पार्ट होगा इसका भी तो लोड नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन थी और ये ऊपर से आने वाला मेसोनरी लोड है। तो रिएक्शन को तो हमने ले लिया है, अब हम ये वाले लोड को लेंगे। तो ये वाला लोड कैसे आएगा वापस, मेसोनरी का जो टोटल लोड है उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ पोर्शन है। तो मेसोनरी का जो टोटल लोड है वो है 5.316 और उसका हाफ अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो ट्राइंगल की सीजी हो जाएगी, जो कि होती है h/3 या फिर b/3। ठीक है, तो b/3 मतलब कि ये वाला बेस कितने का है, ये इसका 2.15 का हाफ, ये होता है 1.075 और उसका b/3। ठीक है, बेस तो हो गया ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक वाला 2.105 का आधा, और फिर उसमें हमने कर दिया b/3। ये तो ये हमारा जो है वो मेसोनरी के लिए ओनली बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास कितना, 1.904 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा आ गया मेसोनरी के लिए बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लिंटल के लिए लेंगे। तो फॉर लिंटल, लिंटल के लिए जो है वो लिंटल जो है वो यूडीएल की फॉर्म में हमने लोड निकाला था, तो उसके लिए तो सिंपल हो जाएगा WL²/8। लिंटल का यूडीएल कितने का है, लिंटल का जो यूडीएल निकाला था वो हमने निकाला था 0.862। तो ये हो जाएगा 0.862, इफेक्टिव लेंथ है 2.15²/8। ये वाली वैल्यू आती है हमारे पास 0.49 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टोटल जो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, टोटल बेंडिंग मोमेंट 1.904 प्लस 0.49 इक्वल्स टू 2.394
किलो न्यूटन मीटर। इसको हम अल्टीमेट में कन्वर्ट कर देंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट 2.394 × 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हो जाएगा 3.59 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा हो गया अल्टीमेट इनकमिंग बेंडिंग मोमेंट लिंटल के ऊपर। अब हम इस बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग सेक्शन डिज़ाइन कर देंगे लिंटल का। ठीक है, सेक्शन डिज़ाइन के लिए पेज नंबर 96 से जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे MU लिमिटिंग का, ठीक है, 0.36 XU max अपॉन D 1 माइनस 0.42 XU max अपॉन D BD स्क्वायर FCK। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम जो इफेक्टिव डेप्थ है लिंटल की वो फाइंड आउट करेंगे, और जो सेक्शन को अपन डिज़ाइन करेंगे वो अंडर रीइंफोर्स्ड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अंडर रीइंफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन मानकर। तो MU लिमिटिंग आ जाएगा हमारा 3.59 × 10⁻⁶ 0.36 XU max अपॉन D। हमारा जो स्टील का ग्रेड है वो Fe 415 है, 415 के लिए होता है 0.48, 1 माइनस 0.42 ये भी हो जाएगा 0.48 B जो होगा लिंटल की विड्थ। तो लिंटल का जो विड्थ होता है वो तो दीवार की थिकनेस के इक्वल होता है, तो हमारी जो दीवार की थिकनेस है वो है 230 mm डी स्क्वायर और FCK m20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा, D इक्वल टू 75.21 mm। ठीक है, अब हम इस D के लिए राउंड फिगर कैपिटल D को अज्यूम करेंगे टोटल डेप्थ को। तो अगर कैपिटल D को हम 150 mm अज्यूम करते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश रखेंगे कि कैपिटल डी जो है वो हम 150 mm ही दें, जिससे कि क्या होता है कि ब्रिक्स जो होती है वो अरेंज होने में सही रहता है। तो टोटल अगर कैपिटल डी 150 mm लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव डेप्थ हो जाती है हमारी 150 माइनस क्लियर कवर हो जाएगा, इसमें भी बीम वाला ही देंगे 25 mm, और माइनस स्टील के डाया का हाफ। तो अपन अगर 10 mm का स्टील दे रहे हैं तो 10/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ इसके अकॉर्डिंग आ रही है 120 mm, और हमको मिनिमम कितना चाहिए 75 mm, हैंस ओके। तो हमारा कैपिटल डी 150 पहले भी हमने अपोई अज्यूम किया था, और स्मॉल डी आ गया हमारा 120 mm। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्टेप में हम स्टील कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी स्टील कैलकुलेशन। स्टील कैलकुलेशन में हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं MU इक्वल टू 0.87 FY ASTD 1 माइनस AST FY अपॉन BD FCK, ये वाला अप्लाई करेंगे। MU कितना है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट 3.59 × 10⁻⁶ इक्वल टू 0.87 FY 415 AST हमें फाइंड आउट करना है। D है हमारा 120, 1 माइनस AST FY 415 B है हमारा लिंटल का 230। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो हमको AST मिलेगा वो मिलेगा AST आएगा हमारे पास 88.78 mm². ठीक है, इस AST के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम चेक मिनिमम स्टील का भी चेक लगा ही देते हैं यहाँ पर। तो चेक फॉर मिनिमम स्टील, चेक फॉर मिनिमम स्टील जो मिलेगा हमें वो पेज नंबर 47 पर जो बीम के लिए हम अप्लाई करते हैं क्लोज नंबर 26.5.1.1 में। ठीक है, ये आता है हमारे पास AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, AS मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है, B है हमारा 230, D है हमारा 120 इक्वल टू 0.85 अपॉन FY हो जाएगा 415। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जो मिनिमम स्टील हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 56.53 mm². ठीक है, तो 56.53
5.53 is less than 88.78 mm square, hence pass it is. Now ये चेक होने के बाद हम इस AST 88.78 के अकॉर्डिंग री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे. तो 10 mm के अगर बार्स प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोवाइड 2 bars of 10 mm dia. ठीक है, कैसे ये कैसे आया, ईच बार का जो एरिया होता है 10 mm वाले का वो होता है 78.54 mm square. ठीक है, और हमारा जो टोटल एरिया रिक्वायर्ड है वो है 88.78. तो अगर 88.78 में 78.54 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.13 बार्स, मतलब कि 1.13 का जो राउंड फिगर हो जाएगा वो 2 बार्स हो जाएगा. इसीलिए हमने 2 बार्स दिए किसके, 10 mm डायमीटर के. यहाँ पर हम 8 mm का डाया भी प्रोवाइड करा सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी चेक फॉर सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जिसमें कि हम डिफ्लेक्शन का चेक लगाएंगे जो कि बीम के जैसा ही होगा. ठीक है, इसके लिए जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो होगा सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए होता है एल इफेक्टिव अपॉन डी मिनिमम इज इक्वल्स टू 20 K1 K2 एंड K3. ठीक है, K1 K2 एंड K3 जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन फैक्टर होते हैं फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट. ठीक है, यहाँ पर हमको डी मिनिमम फाइंड आउट करना है. अब उसके लिए सबसे पहले हमको K1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. K1 होता है हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट, जो कि हमको पेज नंबर 38 पर उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है. तो K1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होता है FS. FS का फॉर्मूला दिया हुआ है 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, मतलब कि AST रिक्वायर्ड लिख देते हैं इसको, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, इसको लिख देते हैं अपन AST प्रोवाइडेड. ठीक है, इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 0.58 FY विल बी 415 AST रिक्वायर्ड, मतलब कि रिक्वायर्ड रीइन्फोर्समेंट कितना था, हमने जो डिज़ाइन किया था AST रिक्वायर्ड था 88.78 डिवाइडेड बाय AST प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड स्टील हमने दिया है 2 बार्स ऑफ 10 mm डायमीटर, तो उसका जो टोटल एरिया हो जाता है वो होता है 157.08. ठीक है, इसको सॉल्व करने पर हमको FS की वैल्यू मिलेगी 136.04 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. अब इसके बाद हमको अगली फाइंड आउट करनी होती परसेंटेज टेंशन रीइन्फोर्समेंट, परसेंटेज टेंशन रीइन्फोर्समेंट. ठीक है, सबसे पहले हमने FS फाइंड आउट किया, उसके बाद अपन फाइंड आउट कर रहे हैं परसेंटेज टेंशन रीइन्फोर्समेंट, मतलब कि हमने जो रीइन्फोर्समेंट दिया है वो कितना परसेंट है क्रॉस सेक्शन का. तो यहाँ इसका फॉर्मूला अगर हम अपन बनाते हैं तो वो हो जाएगा AST प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय BD इंटू 100. AST प्रोवाइडेड कितना है हमारा 157.08 डिवाइडेड बाय BD, जो विड्थ है लिंटल की वो है 230 mm एंड कैपिटल D इज 150 mm इंटू 100, ये होता है 0.46%. ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई. इसके बाद हम ग्राफ को रीड आउट करेंगे और ग्राफ से हमको K1 की वैल्यू मिलेगी. K1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमें, अब क्योंकि वो ग्राफ से बाहर जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू हम 2 इसकी ले लेंगे. ठीक है, एंड K2 एंड K3 जो होते हैं वो क्योंकि कंप्रेशन रीइन्फोर्समेंट के लिए होते हैं और लिंटल में यहाँ पर हमारा कंप्रेशन रीइन्फोर्समेंट मिनिमम होता है, इसीलिए यहाँ पर K1 और K2 की वैल्यू K3 की वैल्यू
दोनों वन वन हो जाएगी। ओनली हमको के वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सारी वैल्यूज आने के बाद हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो डी मिनिमम आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव हमारे पास था 2150 अपॉन डी मिनिमम इक्वल टू 20, के वन इज 2, के टू एंड के थ्री आर 11, डी मिनिमम विल बी 53.75 mm। ओके, मतलब कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिनिमम डेप्थ जो होनी चाहिए वो 53.75 mm होनी चाहिए, और हमने जो डी प्रोवाइड किया है वो दिया है 120 mm, हैंस इट इज़ लेस देन 120 mm, पास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम शीयर का डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए शीयर के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम एक वापस से उस लिंटल का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा जो लाइन लिंटल का फिगर था, इस लिंटल में जो शीयर फोर्स मैक्सिमम आता है वो फेस सपोर्ट के फेस से डी डिस्टेंस पर आता है। तो हमको जो डिज़ाइन शीयर फोर्स फाइंड आउट करना है, अल्टीमेट जो कि आने वाला शीयर फोर्स है जिसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, वो हमको लेना होगा सपोर्ट फेस से डी डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, सपोर्ट फेस से डी डिस्टेंस तक के लिए। तो वो कैसे लेंगे हम, ये यहाँ पर अगर हम इसका रफ स्केच बनाएं, ये हमारा लिंटल का फिगर है जिसमें कि ये हमारा लिंटल और उसकी जो इफेक्टिव स्पान है वो 2.15 मीटर है, और उसके ऊपर जो ट्रायंगुलर मैसनरी का पोर्शन है वो उसकी हाइट है 1.075 मीटर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले शेयर फोर्स जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सपोर्ट फेस से डी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, अल्टीमेट डिजाइन फोर्स विल बी एट डी डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फेस जो होगा डी डिस्टेंस पर लगभग मान लीजिए ये यहाँ पर होगा सपोर्ट से डी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इस पॉइंट पर यहाँ पर शीयर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके हमको इधर इधर के फोर्सेस लेने पड़ेंगे। तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो ये मेसनरी का वेट लग रहा है और एक लिंटल का जो है वो सेल्फ वेट है, वो UDL की फॉर्म में लग रहा है, वो कुछ इस टाइप से लग रहा है ना। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि डी कितना है हमारा, 120 mm था डी, और टोटल ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसके इधर जो कि हमको कंसिडर करनी है। तो इधर सपोर्ट का हाफ होता है, मतलब कि 150 का हाफ कितना होता है, 0.075 मीटर, है ना। तो जो ये टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 120 mm प्लस 0.075 मीटर, मतलब कि ये टोटल हो जाएगा ये 120 mm और ये 75 mm, तो टोटल करेंगे तो इसको आ जाएगा ये 0.195 मीटर। तो हमें इतनी लेंथ के लिए लोड कैलकुलेशन करनी है इस पॉइंट पर। तो शेयर फोर्स क्या होता है, नीचे से रिएक्शन कितनी लग रही है हमको पहले वो पता करना पड़ेगा। तो सपोर्ट रिएक्शन अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, टोटल लोड का हाफ इधर हाफ इधर, तो टोटल लोड हमारा जो मेसोनरी का है वो तो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है 5.315 था, है ना, मेसोनरी का टोटल लोड। तो 5.315 प्लस UDL को टोटल स्पान से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जो UDL था वो था 0.862 इंटू टोटल लेंथ है ये 2.15 एंड इसका हाफ, ठीक है, और इस टोटल लोड का भी हाफ। तो ये हमारी रिएक्शन आ जाएगी 3.58 kN। ये रिएक्शन जो लग रही है वो हमारी यहाँ से नीचे से लग रही है इस टाइप से, ठीक है। तो ये रिएक्शन आ गई, तो शीयर फोर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर से कितना लोड लग रहा है। तो ऊपर से जो लोड लगेगा वो इतने इतने मेसोनरी का, तो इतना वाला ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड पता कर लेते पहले, लोड ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, ठीक है। तो लोड वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले भी किया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके, ठीक है।
अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाली हाइट कितनी होगी। तो ये वाली हाइट के लिए ये वाला जो बेस है ट्राइंगल का है वो है 0.195, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो यहाँ पर एंगल था वो 45 डिग्री था, तो क्योंकि जितना बेस होगा उतना ही हाइट भी होगी, तो ये वाली जो हाइट होगी ये भी हो जाएगी 0.195 की। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया इसका एरिया, इंटू इसकी कर देंगे थिकनेस। तो हमारी जो वॉल की थिकनेस थी वो थी 0.23 मीटर एंड डेंसिटी थी मेसोनरी की 20। तो इसको करने से हमको इसका लोड मिल जाएगा, ये आएगा 0.087 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमको UDL, ये वाला इतना वाला UDL कैलकुलेट करना है, तो ये भी हम अलग से फाइंड आउट कर ही लेते हैं। लोड फ्रॉम UDL, तो हमारी जो UDL की वैल्यू है, UDL की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.862 मल्टीप्लाई बाय इसकी ओनली इतनी वाली लेंथ, इतनी वाली लेंथ हो जाएगी 0.195, ये हो जाएगा जीरो 168 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारे हमने तीनों जो है वो लोड्स इस सेक्शन के इधर इधर जो लोड लगने वाले थे वो फाइंड आउट कर लिए, एक रिएक्शन फाइंड आउट कर ली, एक मेसोनरी का लोड फाइंड आउट कर लिया और एक UDL का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा जो फाइनल शेयर फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से, एक तो 0.087 प्लस 0.168 एंड माइनस का 3.58, तो ये टोटल हो जाता है माइनस का 3.32 किलो न्यूटन। यहाँ पर माइनस जो है वो जस्ट शेयर फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, ओनली 3.32 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम अल्टीमेट कर देते हैं अगर, तो अल्टीमेट करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा हमारा 1.5 और ये हो जाएगा 4.98 किलो न्यूटन। तो हमारा जो शेयर फोर्स आने वाला है वो है 4.98 किलो न्यूटन। अब हम पता करेंगे कि कंक्रीट की शेयर फोर्स कितनी है, तो हमको जो है वो टाउ सी निकालना पड़ेगा, और कंक्रीट जितना शेयर फोर्स कैरी कर रही है और हमारी जो बीम के ऊपर आने वाला जो शेयर फोर्स है उनका जो नेट डिफरेंस होगा उसके लिए हम शेयर रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकमिंग शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो शेयर फोर्स आया था वो कितना आया था 4.98 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब इसके बाद इनकमिंग शेयर फोर्स शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। वी यू जो है वो हमारा शेयर फोर्स, बी डी हमारे पास फाइंड आउट है, उससे हमारा जो टाउ वी आ जाएगा वो 0.18 न्यूटन पर mm² आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमको टेबल दी हुई है। सबसे पहले उसके लिए 100 AS/BD फाइंड आउट करेंगे। 100 AS होता है एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, जो कि हमने 157.08 दिया हुआ है, एंड BD, तो यहाँ से 100 AS/BD आ जाएगा 0.56। उसके बाद हमको टेबल में देख कर इंटरपोलेशन करना होगा, कैसे 0.56 जो है वो 0.50 और 0.75 के बीच में आता है, तो इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट यहाँ पर लिख दी टेबल से लेके। ये हमारे जो है वो टाउसी की वैल्यूज है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए, जो कि हमने टेबल से देख के लिखी है। तो 0.50 के लिए होता है 0.58, 0.75 के लिए होता है 0.56, तो 0.56 के लिए कितनी वैल्यू होगी वो हमें इंटरपोलेट करनी है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों वैल्यूज़ का पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस है 0.08 और इसका डिफरेंस है 0.25, ठीक है। तो हमको सबसे पहले एट द रेट फाइंड आउट करना है, मतलब कि 0.08 में 0.25 का डिवाइड करेंगे तो हमें पर्टिकुलर एक 0.1 वैल्यू के लिए कितना आ रहा है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को 0.56 माइनस 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वैल्यू में प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है। 0.48 था फिर 0.56 हो गया, तो क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर ये प्लस लगेगा, अगर घट रही होती तो माइनस लगता। तो इस पूरे को सॉल्व करने से हमको वैल्यू मिलेगी 0.50 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ये हमारी कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ हो गई।
तो यहाँ पर हमको देखने से पता चल रहा है कि जो इनकमिंग शेयर स्ट्रेस है वो है 0.18 और कॉन्क्रीट की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 0.50, मतलब कि जितना भी टोटल शेयर फोर्स आने वाला है वो सारा ही कॉन्क्रीट कैरी करने वाली है। तो हमको इसके लिए शेयर रीइन्फोर्समेंट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली मिनिमम रीइन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 0.18 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर, हैंस वी विल प्रोवाइड मिनिमम रीइन्फोर्समेंट, ठीक है। मिनिमम रीइन्फोर्समेंट के लिए अगर हम 6 mm के बार प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ लिखेंगे वी विल प्रोवाइड मिनिमम रीइन्फोर्समेंट ऑफ 6 mm डाया 2-legged स्टिरप्स, ठीक है। 2-legged स्टिरप्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी स्पेसिंग, और क्योंकि हम मिनिमम रीइन्फोर्समेंट दे रहे हैं तो स्पेसिंग जो होगी वो भी मिनिमम ही होगी। तो यहाँ पर हम मिनिमम स्पेसिंग निकालेंगे, और लिंटल में जनरली जो होता है वो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट ही जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा शेयर फोर्स लिंटल में आता नहीं है। तो मिनिमम स्पेसिंग का जो है वो हमें मिलेगा पेज नंबर 48 पर क्लोज नंबर 26.5.1.6 में, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है ए एस वी अपॉन बी एस वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई, ठीक है। यहाँ से हमको एस वी फाइंड आउट करना है, ये है स्पेसिंग। तो ए एस वी क्या हो जाएगा, ए एस वी जो होता है हमने 6 mm का बार दिया है, तो 6 mm के डाया का एरिया होता है पाई बाय 4 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि 2-legged स्टिरप से तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये आता है 56.54 mm स्क्वायर, ये हमारा ए एस वी है। वैल्यूज पुट करते हैं, 56.54 डिवाइडेड बाय बी है हमारा 230, एस वी हमको फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 एफ वाई हो जाएगा 415। तो यहाँ से हमको एस वी फाइंड आउट होगा, एस वी विल बी 221.88 mm, ठीक है। इसके बाद हम मिनिमम स्पेसिंग का चेक लगाएंगे, तो मिनिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्लोज नंबर हमें दिया हुआ है 26.5.1.5 में पेज नंबर 47 पर, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.75D। तो 0.75D को सॉल्व करते तो ये आता है, डी है हमारा 120, ये आता है 90 mm, मतलब कि शेयर फोर्स के अकॉर्डिंग मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम स्पेसिंग जो होनी चाहिए वो 221 mm होनी चाहिए। इसको मैक्सिमम स्पेसिंग कर देते हैं, ठीक है। और मिनिमम स्पेसिंग जो होती है होनी चाहिए वो, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर लिखेंगे अपन प्रोवाइड 6 mm डाया 2-legged स्टिरप्स एट द रेट 75 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। 90 mm था उसको राउंड फिगर थोड़ा सा कम कर दिया 75 mm, ठीक है। अब इसका हम रफ स्केच डिटेल ड्राइंग कैसे बनती है वो देख लेते हैं एक बार। ये हमारा जो लिंटल है उसमें बॉटम वाला जो रीइन्फोर्समेंट होगा वो इस टाइप से जाएगा, जनरली बीम वाला बीम के जैसा ही इसका स्केच बनेगा, और टॉप रीइन्फोर्समेंट जो मिनिमम रीइन्फोर्समेंट होगा वो जाएगा, और उसके बाद जो स्टिरप्स जाएंगे वो कुछ इस टाइप से हमको देने होंगे, ठीक है। एंड इन स्टिरप्स की जो स्पेसिंग हो जाएगी वो लिख देंगे अपन यहाँ 6 mm एट द रेट 75 mm सेंटर टू सेंटर, एंड इसका जो क्लियर स्पान है वो है 2 meter का, एंड इफेक्टिव स्पान जो है वो है
2.15 मीटर का, ठीक है। और ये जो बार्स दिए हुए हैं हमने बॉटम में, वो बॉटम वाले बार दिए हैं 2 बार्स ऑफ 10 mm डाया, ठीक है।